हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर समाचार में आपका स्वागत है। उदयपुर के कन्हैया लाल के मामले में जयपुर एनआईए कोर्ट ने बड़ा ही फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, आज जयपुर में कन्हैया लाल के मामले से अब तक गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर कोर्ट ने मोहम्मद गौस, मोहसिन खान और रियाज को दोबारा से पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं अन्य 4 आरोपी आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीन और फरहाद मोहम्मद को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर एनआईए की टीम एक बार फिर से उदयपुर पहुंची और एनआईए की टीम ने दो जगहों पर दबिश दी, साथ ही कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। इनमें से उदयपुर अंजुमन के सदर मुजीब सिद्दीकी और सचिव फारूक शामिल हैं। इन दोनों के घरों की तलाशी लेने के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन से उदयपुर पुलिस पूरे मामले में उन लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं। इसे लेकर अब तक उदयपुर पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ लिया है। वहीं अब तक की जांच में यह सामने आया है कि उदयपुर में कुल 5 जनों को धमकाया गया था, इनमें से एक कन्हैया लाल भी शामिल थे। उदयपुर के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि उदयपुर घटना से पहले ही इन जनों को धमकाया गया था। हालांकि धमकाने वाले पकड़े गए सभी लोगों का रियाज और गोश से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है। सो दोस्तों, उदयपुर मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।